गाइज़ वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग नीलम पूड़ी मारावत। तो गाइज़ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलम पूड़ी मारावत में। तो गाइज़ आज कुछ स्पेशल डे है क्योंकि आज है रुद्र का बर्थडे। तो आज हम रुद्र का बर्थडे मनाएंगे और कहीं घूमने चलते हैं। तो मिलते हैं आपको यहाँ पे। अभी पंडित जी भी आने वाले हैं और पंडित जी आ जाएंगे तो पूजा पूजा करेंगे, फिर पूजा पूजा करके फिर मिलते हैं आपको थोड़ी काम में। तो गाइज यहाँ पे हम पीस रहे हैं दाल क्योंकि हम बनाएंगे पकौड़ी। अगर हमने इतनी दाल पीस ली है यहाँ पे सलाटे में लाइट ना होने के कारण सलाटे में पीस रहे हैं। और जब बर्थडे वगैरह होता है तो हमारे यहाँ काली दाल की पकौड़ियाँ बनाई जाती है, जो माना जाता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे तेल रख दिया है मैंने और अब बनाएंगे हम काले दाल की पकौड़ी। और यहाँ पे मेथी भी पीस ली है काली दाल। मिलते हैं आपको पकौड़े बनाने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे पूजा हो गई है और हवन भी हो गया है और अब चलते हैं सीधे मंदिर में। और पहले तो मेरा मंदिर देखिए। आपको मंदिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह है हमारा सुंदर सा मंदिर। हेलो दोस्तों, मिलते हैं आपको मंदिर में। हम जा रहे हैं आज मंदिर में मिलते हैं। हेलो बोलो मिक्की किकी। हेलो हेलो गाइस। तो गाइज फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं और हमारे साथ इतनी है बच्चा पाल्टी और ये। और अब चलते हैं हम मंदिर। गाइज यहाँ पे पहुंच गए हैं मंदिर और मंदिर हो गया बंद, हो गया इनका पोपट। और यहाँ पे मंदिर का टाइम था 12 बजे तक और अब 4 बजे मंदिर खुलेगा। और हम यहाँ पे 12:30 बजे में पहुँचे। तो चलते हैं अब दूसरे मंदिर। और ये परेशान हो गए। चामुंडा वाले बस ये मंदिर वो 12 बजे बाद। फाइनली पहुंच गए हम मंदिर में। आप दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। ये है और यहाँ की विशेषता आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो पहले मंदिर देख लीजिए आप। चलो भगवान अंदर चप्पल उतार बैठे हुए हैं विराजमान है। और यहाँ पे हमने चप्पल निकाल ली है और अब चलते हैं सीधे आगे। यह है भगवान जी का सुंदर सा मंदिर। और ये है सुंदर सा मंदिर। और अंदर की फ़ोटो तो अलाउड नहीं थी तो इसलिए अंदर की फ़ोटो नहीं ली। यहाँ पे भोलेनाथ इस पूरे में शिवलिंग है भोलेनाथ जी का। और यहाँ ये पूरा मंदिर है बाहर का जिसमें कि और भी देवी देवताओं की फ़ोटो वगैरह मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमने पूजा और दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा घूमते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और मंदिर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मंदिर आपको कैसा लगा।
200 रुपये एक हाथ उसका भी पकड़ ले थोड़ा पकड़ यार दूसरा वाला चलो अब चलो इसको भी जा पिंकी पकड़ दी मेरे को हाथ पकड़ दी पिंकी आप गलतम डूबे जैसे थे अरे स्विमिंग सीखनी है तो इधर ही आ जाना छिपिंग की थी मिटा नहीं के नहीं मत करो गाइस यहाँ पे पहले नदी हुआ करती थी तो अब यहाँ पे नदी नहीं है नदी दूसरी तरफ बहा भी गई है बहाव उसका और यहाँ पे है शनिदेव का मंदिर और यहाँ शिवरात्रि में जब कांवड़ आता है तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है और यहाँ पे विश्राम गृह है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ यहाँ पे ये कांवड़ों के पूरी टोकरियाँ यहीं बिछाई हुई है सारी गाइस यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम चलते हैं माँ बाल सुंदर के मंदिर और यहाँ मंदिर लेट होने के कारण हमें थोड़ा मंदिर बंद हो गई थी इसलिए पर दर्शन हो गए हैं यहाँ पे फाइनली हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब चल रहे हैं हम माँ बाल सुंदरी के मंदिर और ये है मोटेश्वर महादेव जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही पीसफुल एरिया है जय मोटेश्वर महादेव की जय और अब जा रहे हैं माँ बाल सुंदरी के मंदिर यहाँ पे वो है रे गाइस ये है माँ बाल सुंदरी का मंदिर और हमारे दर्शन हो गए हैं अब चलते हैं हम सीधे घर और यहाँ पर गाड़ी है अब चलते हैं घर ये है माँ बाल सुंदरी का मंदिर और हो गए हैं दर्शन यहाँ पे अभी कान चल रहा है तो आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है